अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप जो प्लांट देख रहे हैं मनी प्लांट है, और जो मैंने सर्दियों में एक तरफ रख दिया था और कुछ इसकी केयर नहीं की थी, क्योंकि डोरमेंसी की हालत में होता है सर्दियों में, इसलिए मैं ऐसे सारे पौधे जो डोरमेंसी में जाने की कोशिश करते हैं या थोड़े बहुत चले जाते हैं, मैं उनके ऊपर मेहनत करने के बजाय दूसरे ऐसे पौधे जो सर्दियों के होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा मेहनत करती हूँ। अब क्योंकि विंटर ख़त्म हो चुका है और फेबरी शुरू हो चुका है, तो ऐसे सारे प्लांट जो नई नई ग्रोथ कर रहे हैं और अपने आप को डोरमेंसी की हालत से निकाल रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं मेहनत कर रही हूँ ताकि अपनी फुल ग्रोथ शुरू कर सकें और फुल जोबन पर आ जाएं। फरवरी के महीने में यह डोरमेंसी पीरियड से निकल आता है और नई ग्रोथ शुरू कर देता है। देखें, ये पुरानी लीफ के नीचे से नई ग्रोथ शुरू हो रही है। अभी ये कैमरे में कैच नहीं हो रही है, चले मैं दूसरा दिखाती हूँ। ये देखें, छोटा सा पत्ता निकल रहा है। अब इसमें ये पीछे की तरफ मैं दिखाती हूँ, ये देखें, ये छोटे छोटे पत्ते मैंने लगा दिए थे सिकल लीफ, इसमें से भी आउट हो रहा है। और आगे ये देखें, ये भी निकल रहा है, ये भी नई स्पाउटिंग है, ये भी है, और ये भी देखें खुश्क हो गया है, फिर भी अपने अंदर से ये निकाल रहा है स्पाउटिंग। फरवरी के महीने में अपने मनी प्लांट के साथ क्या करना है वो सब मैं बताऊँगी। सबसे पहले मैं झाड़ लेती हूँ अपने मनी प्लांट को झाड़ू से, इसके बाद इसके पत्ते जितने भी कटिंग के काबिल हैं और जो ड्राई हो चुके हैं और डेड हो चुके हैं उनको मैं काट देती हूँ। पौधे की सफाई करने के बाद इसकी अब गुड़ाई शुरू होगी, लेकिन मैं गुड़ाई नहीं करूँगी क्योंकि मेरे इस प्लांट की मिट्टी में चूहे आ गए थे, उन्होंने खुद ही गुड़ाई कर दी है। अब सबसे पहले फर्टिलाइज़र की तरफ आ जाते हैं। तो मैंने दो दिन से इसका पानी बंद किया हुआ मनी प्लांट का, और मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको दूँगी। एक लीटर में 1.25 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र मिला लें और इसको दे दें। फिर भी अगर पानी कम है गमले के अंदर तो इसमें मज़ीद सादा पानी डाल दें, बिल्कुल तर कर दें, क्योंकि अब ये बड़ी तेज़ी से अपना पानी अपने अंदर खींचेगा, तो सारी फर्टिलाइज़र इसके अंदर चली जाएगी। दूसरे नंबर पर हर 15 दिन बाद आप इसके अंदर चाय की पत्ती का पानी डालें, और जो दूध पत्ती चाय होती है उसमें पानी मिला के इसके अंदर डालें, क्योंकि दूध पत्ती चाय में दूध के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है और ये इसकी पत्तों की जो डंडियां हैं और कैल्शियम की वजह से वो मजबूत हो जाएंगी। दूध के अंदर फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा होता है और फॉस्फोरस जड़ें बनाता है, जड़ें नई नई निकालता है, इसलिए दूध बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है पौधों के लिए। मैं अपने पौधों को सुबह नाश्ते के बाद जो चाय की पत्ती और दूध प्यालों के अंदर बच जाता है उसी में पानी डाल के और इसी को मैं फर्टिलाइज़ कर देती हूँ अपने पौधों का। कभी भी आज तक मेरे पौधों में फंगस नहीं लगा, ना ही किसी किस्म का फंगस आया है चाय और दूध से। अब वाटरिंग की बात कर लेते हैं, वाटर किस टाइम देना है। वाटर आपको उस वक्त देना है जब ये पानी खुश्क हो जाए, बस यही ख्याल रखना है कि पानी खुश्क हो आपको वाटरिंग करनी है। अब तीसरे नंबर पर सनलाइट आ जाती है। तो अगर आपने विंटर में अपना पौधा ऐसी जगह रखा था जहाँ पे धूप आती थी तो वो तो सही था विंटर में, लेकिन अब गर्मियों में अब सही नहीं है इतनी, क्योंकि इंडोर मनी प्लांट है और आपको इसको धूप से बचाना पड़ेगा और ब्राइट सनलाइट में आपको रखना पड़ेगा। हमने शरीफे और अमरूद के पेड़ के नीचे रखा हुआ है जहाँ से छन के लाइट आती है। और इसकी अब नमी की बात कर लेते हैं। तो नमी तो हर पौधे को पसंद है, अगर आपने नीचे रखा हुआ है और नमी है अच्छी खासी तो फिर तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर और रूफ टॉप पर रखा हुआ है तो आपको किसी भी तरीके से इसको नमी देना पड़ेगी और तपिश से बचाना पड़ेगा। जो दीवारों की तपिश होती है और जो फर्श के ज़रिए से जो तपिश आती है उससे भी बचाना पड़ेगा। तो आपको टब में पानी भर के रख दें या फिर किसी और चीज़ में पानी इस तरह से रखें कि इनको नमी मिलती रहे और धूप की तपिश कम होती रहे। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात।